नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव जायसवाल। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और हमें इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने अपने जवाब सबमिट किए थे वे सब के सब सही हैं। हमने आपसे ये पूछा था कि अगर एक कैरियर मॉस्किटो 10 लोगों को काटता है तो क्या सभी 10 लोगों को मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप होंगे। इसका जवाब हम सब जानते हैं, ना ही होगा। इसके कई कारण हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया, एक व्यक्ति की ससेप्टेबिलिटी, उसका इम्यून सिस्टम और एक्सपोजर लेवल। अब आप सोचिए, जिन लोगों को मच्छर काटने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो उसका क्रेडिट आप उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को दे रहे हैं जिसने उस कीटाणु को पालने या पनपने नहीं दिया। क्योंकि अगर उस कीटाणु को पालने या पनपने दिया होता तो जरूर उस व्यक्ति को भी मलेरिया के सिम्टम्स आते, और अगर उसे मलेरिया हो जाता है तो उसका सारा दोष मच्छर या मलेरियल पैरासाइट को दिया जाता। अब ये कैसी बात हुई? अगर ये बेचारे मच्छर या मलेरियल पैरासाइट बोल सकते तो शायद यही पूछते, भाई अगर आपके शरीर को हमसे इतनी प्रॉब्लम थी तो हमें पालने और पनपने का मौका क्यों दिया। ये तो हम जानते ही हैं कि हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ससेप्टेबिलिटी वैरी करती है, और एक ही इंसान में अलग अलग वक्त पर यह इम्यून पावर और ससेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है। इसका तो ये मतलब निकलता है कि ये इम्यून पावर और ससेप्टेबिलिटी कुछ चीजों पर निर्भर करती है। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक व्यक्ति का इम्यून पावर और ससेप्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। एक व्यक्ति का इम्यून पावर और ससेप्टेबिलिटी किन कारकों पर निर्भर करती है, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला वो सारे पैरामीटर्स जो हमारे शरीर के अंदर हैं, और दूसरा वो जिसका बाहर से प्रभाव पड़ता है। ये ऐसे क्या-क्या कारक हैं, इसकी विस्तार में हम कल चर्चा करेंगे।